नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं ओल्ड सॉल्यूशन चैनल को, और गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो गाइस, मेरे पास है MI का मोबाइल, MI 9 है। ठीक है, 9 है हो या MI का कोई सा भी मॉडल हो किसी भी तरीके का, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है, बार बार हमको परेशान कर देता है। ये देख सकते हो ये वाला मोड, ठीक है। ये जो इसे चलाएंगे ना, तो जैसे स्क्रीन ऑन करेंगे ना, देख सकते हो जैसे ऊपर करेंगे स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पर यह बताएगा डोंट कवर द एयरफोन एरिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है ईयरफोन जो एरिया होता है ना, यहाँ पे सेंसर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसके कारण जो है अपन जो है मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन को इस साइड वाला बटन दबाना पड़ता है, ये वाला वॉल्यूम का बटन दबाने के बाद ये प्रॉब्लम जो है ठीक होती है। तो इस प्रॉब्लम को परमानेंट आपको बंद करनी है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे बंद करना है, ठीक है, परमानेंट बंद करनी है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रॉब्लम को मैंने ना कोशिश करूँगा, तो ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। मैं ये ऊपर वाला बटन दबाऊंगा तो वापस ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको परमानेंट ठीक करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, MI का कोई सा भी डिवाइस हो, पहले ही बता रहा हूँ, MI का कोई सा भी डिवाइस हो उसके अंदर सेम प्रोसेस है कैसे आपको ठीक करना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेटिंग में चले जाना है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है वो भी दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि यहाँ पर जो अपना सेंसर होता है ना, अगर आप कई बार डिस्प्ले अगर डलाई हुई होती होगी ना, मतलब अपने मोबाइल के अंदर डिस्प्ले डलाई होगी ना, तो उसके अंदर जो यहाँ पे सेंसर आता है, तो सेंसर का जो ऊपर गम वगैरह लग जाता है या फिर कचरा वगैरह यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो दिक्कत करने लग जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे होता है। तो यहाँ से या तो फिर साफ़ करके फिर अपना ग्लास जो है वापस लगा लीजिए सेट। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप जो है सेटिंग में जाकर कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन यही है कि सेटिंग में जाकर इसका ऑप्शन जो है बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको पॉकेट मोड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च करना है पॉकेट मोड और इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो पॉकेट मोड। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये वाला ऑप्शन है बंद कर देना है पॉकेट मोड को। ठीक है, पॉकेट मोड ऑप्शन को बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, होम पे क्लिक करना है और इसको आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद क्या करना है, फिर लॉक लगा के देखना है, वापस लॉक ओपन करके देखना है। ये देख सकते हो प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व। ठीक है, ये देख सकते हो ये अब मेरा प्रॉब्लम जो है नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी हेल्प वीडियो कहीं नहीं मिलेगी और ऐसे ही ट्रिक जो है कोई नहीं बताएगा। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होना तो मेरा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होना तो कमेंट करके बता देवे, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है मैंने सॉल्व करके दिखा दी है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं हो रहा ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर और भी अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।